When was the National Health Mission launched? तो NHM कब launch हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में. Next one is Pulse Polio Immunization Cover. तो Pulse Polio Immunization Program में कितने एज के बच्चे कवर किए जाते हैं? तो इसमें 0 से लेके 5 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को कवर अप किया जाता है. Next one is The process which destroy all microbial life including spores is known as. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोबियल जो लाइफ है, माइक्रोब्स की लाइफ है, उनके साथ साथ उनके स्पोर्स भी मार दिए जाएं, वो कौन सी प्रोसेस होगी? डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्सिस, डिओडराइजेशन या फिर स्टरलाइजेशन. तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्टरलाइजेशन. और यदि कहते हैं स्टरलाइजेशन की कौन सी प्रोसेस में माइक्रोबियल के साथ साथ स्पोर्स मारे जाते हैं, तो वो है ऑटोक्लेविंग. करेक्ट. नेक्स्ट वन इज JSY इज एन एक्रोनियम फॉर. तो JSY का फुल फॉर्म पूछा है, तो वो जननी सुरक्षा योजना. नेक्स्ट इज गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन. तो गोइटर किस हार्मोन की कमी के कारण होगा? तो होगा थायराइड की कमी के कारण. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सेक्स रेशियो. तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, उनके ऑप्शन में आपको नहीं बताऊंगी, जिससे आपके पेपर हैं जो सॉल्व हो जाएं. तो सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. और इस बार इंडिया का सेक्स रेशियो अच्छा है, दैट मीन्स वुमेन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल के. नेक्स्ट वन इज इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट. तो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट का मतलब क्या है? तो नंबर ऑफ द इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ. क्या है? द इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फुली इम्यूनाइज चिल्ड्रन फॉर मध्य प्रदेश एज पर NFHS 4. तो चार बार है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में कितने परसेंट बच्चे हैं जो इम्यूनाइज हैं? तो टोटल 53.6% बच्चे ही इम्यूनाइज हैं, फुली इम्यूनाइज हैं. नेक्स्ट वन इज PMJAY इज एन एक्रोनियम. तो PMJAY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. नेक्स्ट इज सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ अ डिसीज इन पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज नोन एज. तो कोई डिसीज सडनली है जो फैल जाए, उसके लिए हम क्या कहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में और प्लेस में? तो कहलाएगी आउटब्रेक. क्या कहलाएगी? आउटब्रेक. नेक्स्ट आर ऑल आर लेवल ऑफ प्रिवेंशन एक्सेप्ट. तो सभी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है किसी एक को छोड़कर, हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस, रिहेबिलिटेशन या फिर नन ऑफ दीज. तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन इनमें से कोई से भी नहीं है. जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होंगे, बट इनमें से कोई भी नहीं है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश एज पर सेंसस 2011. तो 2011 की जनगणना के हिसाब से MP की पॉपुलेशन कितनी है? 7.2 करोड़. कितनी है? 7.2 करोड़. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम. तो आयुष्मान भारत योजना में कितना इंश्योरेंस कवर किया जाता है? तो 5 लाख तक. कितना किया जाता है? 5 लाख तक. नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वुड बी बॉर्न पर वुमेन इफ सी पासेस थ्रू द चाइल्ड वेयरिंग ईयर्स वेयरिंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू अ करेंट शेड्यूल ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इज नोन एज. तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, TFR की डेफिनेशन पूछी गई है. तो क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट. नेक्स्ट इज एज पर SRS 2015-17 तो मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो क्या रहा है MP का? तो आपको जो 2015-17 का है, आपको 2019 से लेके 2022 तक का एक बार जो SRS डेटा जो कि हर 6 महीने में अपडेट होता है, उसको पढ़ लेना है कि MP का एट प्रेजेंट में जो मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो है कि क्या है. नेक्स्ट वन इज अंडर द आयुष्मान भारत गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड 2 मेजर इनिशिएटिव नेमली नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम एंड सेकेंड वन इज वॉट. तो आयुष्मान भारत योजना के तहत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लाई गई थी, और दूसरा क्या लाया गया था? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की 1.5 लाख है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किए जाने हैं. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसका नाम रखा गया है? सब सेंटर का. नेक्स्ट वन इज मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू. तो मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेट करता है? चाइल्ड वैक्सीनेशन से. किससे? चाइल्ड वैक्सीनेशन से. नेक्स्ट वन इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन. तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कब? 1992 में. 1992 में. नेक्स्ट वन इज ट्रू अबाउट मिशन परिवार विकास. मिशन परिवार विकास है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन लॉन्च किया गया था. फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव है. इसमें 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट, 7 स्टेट हैं जो
उनकी टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, उनको टारगेट किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन इज आशा स्टैंड फॉर, तो आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट वन इज RNTCP, तो RNTCP का फुल फॉर्म है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1955 में, 1955 में। नेक्स्ट वन इज टू एड्रेस द ह्यूज बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच प्रोग्राम। तो मेंटल डिसऑर्डर है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो कौन सा हो सकता है? तो वह नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। कौन सा है? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1976, तो 1976 में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था? तो यदि आपको पता होगा कि कौन सा प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो 1976 में लॉन्च हुआ प्रोग्राम है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट वन इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में जो डिसीज इंक्लूड की गई थी वो थी मलेरिया फाइलेरियासिस। तो टोटल मिला के जो 6 डिसीज यहाँ पर इंक्लूड की गई थी, तो इनमें से वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर मलेरिया। नेक्स्ट वन इज हु डिफाइंस एडोलेसेंट एज इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ, तो WHO के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है कितनी है? तो ये होती है 10 से 19 साल तक। कितनी? 10 to 19 years। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप कॉज ऑफ मॉर्टिलिटी अमंग एडोलेसेंट इन द वर्ल्ड, तो पूरे विश्व में मॉर्टिलिटी का एडोलेसेंट एज ग्रुप में सबसे बड़ा रीजन क्या है? सुसाइड, कम्युनिकेबल डिसीज RTA, या फिर आयरन डेफिशियंसी एनीमिया। तो जो पूरे विश्व में बात हो रही है टॉप कॉज क्या है मॉर्टेलिटी का एडोलेसेंट एज ग्रुप में 10 से 19 साल में, तो वह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। नेक्स्ट वन इज RKSK स्टैंड फॉर, तो RKSK का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डोज ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्कीम, तो WIFS जो स्कीम है इसमें आयरन फॉलिक एसिड का कितना डोज दिया जाता है? तो इसमें 100 mg एलिमेंटल आयरन और 500 mcg फॉलिक एसिड है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज द फोकस ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ अकॉर्डिंग टू RMNCH+A इज ऑल एक्सेप्ट, तो RMNCH+A प्रोग्राम में एडोलेसेंट हेल्थ पे सभी पर फोकस किया गया है किसी एक को छोड़कर। तो स्ट्रेंथनिंग द ARSH क्लिनिक एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, लेकिन कैंसर काउंसलिंग है जो RMNCH+A में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, तो इनमें से कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? डायबिटीज, पर्ट्यूसिस, हाइपरटेंशन, या फिर क्वासियोरकर। तो जो इनमें से कम्युनिकेबल डिसीज है वो कौन सी है? वो है पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आर्टिकल्स कंटामिनेटेड बाय HIV कैन बी डिसकंटामिनेटेड यूजिंग, तो HIV से रिलेटेड जो आर्टिकल है ऑब्जेक्ट है उसको किससे डिकंटामिनेट करेंगे? तो वो होता है 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन में ग्लूटरल्डिहाइड, मेथनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन HIV हो गया, कोविड के आइटम्स हो गए, इनको हम किससे डिकंटामिनेट करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा स्टेटमेंट है? TB इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बिल्कुल सही है। पीपल हु आर एक्सपोज टू TB में और मे नॉट डेवलप द डिसीज, तो ये भी बिल्कुल सही है, उनको हो सकती है, कोई और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। पर्सन विथ लेटेंट TB इन्फेक्शन आर नॉट इन्फेक्शियस एंड कैन नॉट स्प्रेड इन्फेक्शन टू अदर, तो ये भी सही है। एवरी इंडिविजुअल हु इज एक्सपोज टू TB डेवलप द डिसीज, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि आपको TB हुई है तो ज़रूरी है कि आपको कोई और डिसीज भी होगी। नेक्स्ट वन इज सिम्टम ऑफ डेंगू इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन में हाई फीवर, लो ग्रेड फीवर, आई पेन, जॉइंट पेन। तो डेंगू में हाई फीवर होगा ना कि लो ग्रेड फीवर होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट वन इज पेनफुल एंड प्रोफाउंडली स्वेलोइंग लिम्स आर अ लॉन्ग टर्म फिजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो यहाँ पर स्वेलोइंग लिम है, पैर जनरली हो सकते हैं, फिजिकल कॉन्सिक्वेंस है जो हो सकता है, तो किसके थ्रू होगा? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस,
डेंगू, मलेरिया या फिर येलो फीवर, तो ये किसमें देखने को मिलेगा और लंबे टाइम तक रहेगा, तो ये किसका है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का। नेक्स्ट वन इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, तो इनमें से डिहाइड्रेशन का साइन क्या है, डिक्रीज थर्स्ट, ड्राई माउथ, इंक्रीज यूरिन आउटपुट या फिर फीवर, तो साइन इनमें से कौन सा है, तो वो ड्राई माउथ। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट, रेस्पिरेटरी रूट से क्या फैलेगा, इन्फ्लुएंजा, मम्स, मीजल्स, टाइफॉइड किससे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस, तो इनमें से वायरस से होने वाली डिसीज कौन सी है, रेबीज, मम्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफॉइड, टिटनेस या फिर कोलेरा और ट्यूबरक्लोसिस, तो जो मम्स वायरल डिसीज हैं वो क्या है यहाँ पर, रेबीज और मम्स। टाइफॉइड और टिटनेस क्या है, बैक्टीरियल हैं, कोलेरा ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरियल हैं, एड्स वायरल है और सिफिलिस बैक्टीरियल है, तो यहाँ पर जो वायरल का पेयर है वो क्या है, रेबीज और मम्स। नेक्स्ट वन इज टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, तो टाइफॉइड किसके द्वारा होगा, तो टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, HPV है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन कॉज माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉपलिक स्पॉट्स, तो कॉपलिक स्पॉट्स देखने को किस में मिलते हैं, मीजल्स में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट डायबिटीज, तो डायबिटीज़ को लेके यहाँ पर सही पॉइंट कौन सा नहीं है, सॉरी डायबिटीज़ को लेके सही पॉइंट कौन सा नहीं है, डेवलप ओनली आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर, ऐसा नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकती है, तो यहाँ पर ट्रू नहीं है, तो वो क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तीनों साइन है, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया कॉमन साइन है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होगा, लेस देन 120, तो यहाँ पर जो सही राइट आंसर है आपका वो क्या है कि ये 30 साल में हो गया, ऐसा नहीं, किसी भी एज में हो सकती है। नेक्स्ट वन इज BIA इज यूज टू, तो यहाँ पर BIA किसके लिए यूज होता है, होता है स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट वन इज CBSE, तो CBSE का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, तो स्ट्रोक में कन्फ्यूजन होगा, डिफिकल्टी होगी बोलने में, डिजनेस होगा, हेडेक होगा, स्वेलिंग और फेस ड्रूपिंग होगा, फेस डाउनिंग होगा, तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज आर ऑल एक्सेप्ट, तो डायबिटीज में कीटो एसिडोसिस होगा, न्यूरोपैथी होगा, रेटिनोपैथी होगा, लेकिन अर्थराइटिस है जो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन, तो इनमें से हाइपरटेंशन का सही पॉइंट कौन सा नहीं है, तो अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा BP की प्रॉब्लम अर्बन शहरी क्षेत्र के लोगों को ही होती है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका आंसर है, ये 30 साल के ऊपर को अफेक्ट करेगा, ये सही है, ये परमानेंटली नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है 90 to 150 इज द करेक्ट रेंज फॉर सिस्टोलिक BP, तो ये भी बिल्कुल सही है, फ्लक्चुएट हो सकती है रेंज, लेकिन जो सही पॉइंट नहीं है यहाँ पर वो क्या है, कर्सिन अर्बन पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज ऑल आर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन एक्सेप्ट, तो हाई BP के लिए सभी रिस्क फैक्टर हैं किसी एक को छोड़कर, तो ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, एज, जेंडर, ये सब रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं होगा वो क्या होगा, कंटामिनेटेड वाटर। नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में हो रहा है, रिकेट्स चिल्ड्रन में हो रहा है, तो किसकी कमी से होते हैं, ये होंगे विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज द कॉमन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर, तो ब्रेस्ट कैंसर के कॉमन साइन क्या हैं, लंप, थिकनिंग हो रही है ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट की साइज चेंज हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है निपल से, तो साइन क्या होंगे यहाँ पर आपके, तो यहाँ पर ये सभी साइन हैं जो होंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, डायग्नोसिस ऑफ ओबेसिटी कैन बी डन बाय कैलकुलेटिंग BMI विच स्टैंड फॉर, तो BMI का